तो आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बना है। नए यूट्यूबर के मन में एक सवाल रहता है कि अगर हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो एक साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो हमारे चैनल का होगा क्या, मतलब कि आगे चल के हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक साल के अंदर कंप्लीट नहीं होते तो आपके चैनल जो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लें, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कृष्णा फॉर यू। जैसा कि दोस्तों आप एक नए यूट्यूबर हो, आपको ये पता नहीं है कि आपके चैनल पर एक साल हो जाने के बाद आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हुआ या 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट नहीं हुए, तो आने वाले साल में आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको इस पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नोटबुक पर और नोटबुक पर ले जाने के बाद आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं नोटबुक पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जब आपने अपना चैनल किसी 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को आपने अपना चैनल जो स्टार्ट किया था 2000 में, ठीक है, आप समझ लो 2000 सपोज कर लो या 2020 कर लो इसको, ठीक है, 2020 में आपने अपना चैनल स्टार्ट किया। जब 2020 में आपने अपना चैनल स्टार्ट किया तो 31 दिसंबर 2020 को आपका सपोज करो आपका 3600 का जो वॉचिंग टाइम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो जो वॉच टाइम है वो आपका 3600 घंटे का वॉच टाइम हो गया। इसमें से अभी 4000 घंटे का वॉच टाइम अभी बाकी रह गया था और आपके सपोज कर लो आपके 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो भी कंप्लीट हो चुके थे। सब्सक्राइबर तो आपके कंप्लीट हो चुके थे, अब सब्सक्राइबर तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन आपका जो वॉच टाइम वो अभी यहाँ पे 4000 घंटे का जो है, मतलब कि सॉरी 400 घंटे का जो है वो अभी यहाँ पे बाकी रह गया है। अब आपको 400 घंटे का वॉच टाइम जो कैसे कंप्लीट करना होगा अगर आपका एक साल से ऊपर हो जाता है तो, ठीक है। अब सपोज करो आपने 1 जनवरी को अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, 1 जनवरी को आपने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, 31 जनवरी तक आपने वीडियो अपलोड करते रहे। अब इनके बीच में आपने सपोज दैट कि आपने 100 वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है, एक साल के अंदर आपने 100 वीडियो अपलोड कर दी। 100 वीडियो अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स, जिस पे भी, जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2021 को जो आप अपना वीडियो अपलोड करोगे, ठीक है, जो आप अपना वीडियो अपलोड करोगे, आपको सपोज दैट आपने इस वीडियो को यहाँ पे 1 तारीख को अपलोड किया था, ठीक है, इस पे आया था 5 घंटे का वॉचिंग टाइम, ठीक है, इस पे 5 घंटे का वॉचिंग टाइम आ गया था। अब आप जब इस सन को 2021 को आप अपनी वीडियो का जो वीडियो अपलोड करोगे इसका वॉचिंग टाइम घट जाएगा। इस पे अगर मान लीजिए आपका इस पे आ गया तो 10 घंटे का वॉचिंग टाइम, ठीक है, तो इससे 10 में से ये पहले वाली 5 तारीख का वॉचिंग टाइम ये घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5 घंटे का वॉचिंग टाइम ही कंप्लीट होके और इसमें जुड़ जाएगा। अब सपोज करो आपने 15 अगस्त को 50वां वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है, 15 अगस्त को जब आपने 15 अगस्त को अपना वीडियो अपलोड कर दिया था तो 15 अगस्त को वीडियो अपलोड करने के बाद आपका 2020 में, ये 2020 है, और 2015 अगस्त 2021 में, ठीक है, जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना तो इस दिन का जो वीडियो पे जो वॉचिंग टाइम आया था, जो सब्सक्राइबर्स आए थे वो यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे, वो यहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे और 15 अगस्त 2021 को जो वीडियो आपने अपलोड किया जिस पे जितना भी काउंटेबल आएगा, जो वॉचिंग टाइम आएगा, सब्सक्राइबर्स आएंगे, वो इसमें यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 साल में भी आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही मेरे बताने की उम्मीद है कि जैसे कि आप कभी भी अपना वीडियो अपलोड करते हो तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आपका चैनल जो है 10-20 साल के अंदर भी मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आप मेरे को ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ऐसे YouTube से रिलेटेड वीडियो के लिए और मोबाइल टिप्स के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।